In our last meditation, we considered Moses and how faith helped him to make very difficult decisions. और हमारे पिछले मनन में हमने अध्ययन किया था कि कैसे हमने मूसा के जीवन में देखा एक बड़ा दर्शन रखने वाला व्यक्ति और कैसे उस दर्शन ने उसकी सहायता करी कठिन निर्णयों को लेने में. Today let us consider another biblical character, again a contemporary to Moses. और आइए आज की सुबह के मनन के लिए हम एक और बाइबल से लिए गए चरित्र के विषय में बात करें जिसका नाम है खेलब. Caleb was one of the 12 spies sent by Moses to check the land. और कालेब उन 12 जासूसों में से एक जासूस था जिन्हें मूसा ने कादेश बर्निया की जासूसी करने के लिए भेजा था. So let's read about him in the 14th chapter of Joshua, verse 7. और आइए उसके विषय में हम पढ़े यहोशू की पुस्तक 14वां अध्याय 7वां वचन. He is speaking to Moses. और वो मूसा से बात कर रहा है. I was 40 years old when Moses, the servant of the Lord, sent me from Kadesh Barnea to spy out the land, and I brought him word again as it was in my heart. जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए कादेश बर्निया से भेजा था तब मैं 40 वर्ष का था और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया. First, it helped him develop conviction. पहले इस बात ने उसकी सहायता करी कि वो एक कायलता को उसके भीतर लाए. What his faith was not merely believing something and having a faith. और उसका विश्वास इस विषय में नहीं था कि वो किसी बात को जानता है और उस पर उसने विश्वास कर लिया. But he went beyond mere believing. लेकिन वो उस साधारण विश्वास से भी आगे चला गया. He had a strong conviction. उसके पास एक दृढ़ निश्चय था. Because when he told Moses, when he saw the land, his heart had seized it. क्योंकि उसने मूसा से इस प्रकार कहा, जब उसने उस देश को देखा, उस भूमि को देखा, तो उसका दिल भय से घबरा गया. No. Seized it means grab it. क्षमा करिएगा, उसने मूसा से इस प्रकार कहा कि जब उसने उस भूमि या देश को देखा तो उसने हृदय से उस भूमि पर अपना कब्जा ले लिया. That means, as soon as he saw the land, he determined to grab it somehow. और इसका मतलब साधारण शब्दों में यह है कि जैसे ही उसने उस भूमि को देखा या देश को देखा, उसने तुरंत उस पर कब्जा करने का निश्चय कर लिया, इच्छा शक्ति बना ली. Because his vision gave him conviction. क्योंकि उसके दर्शन ने उसे एक दृढ़ निश्चय दिया. And that conviction enabled him to stand up against the other spies. और उस दृढ़ निश्चय ने उसे यह हियाव दिया कि वो दूसरे जासूसों के विपरीत जो है खड़ा विरुद्ध खड़ा होकर सच्ची एक जानकारी को मूसा को दे. The other spies, except Joshua, who was also a member, they saw the land and they also agree with them, with Caleb, that it is certainly a beautiful, wonderful, amazing land. और जो दूसरे जासूस कालेब और यहोशू के संग गए थे, उन लोगों ने भी इस बात में हामी भरी कि हाँ, ये भूमि तो अच्छी है और अच्छी भूमि और अच्छी बातें और वस्तुएं यहाँ मौजूद हैं. But they lacked and they didn't have the feeling of Caleb and Joshua. Let us grab it. लेकिन इन 10 जासूसों के पास वो भावना नहीं थी, वो विचार नहीं था जैसा यहोशू और कलब के पास था कि हम इस भूमि को पाएंगे और इसको पर कब्जा करेंगे. But Caleb stood firm. लेकिन कलब इस बात को लेकर निश्चित बना रहा. And the second thing we notice is, और जो दूसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं, his vision helped him obey God. उसके दर्शन ने उसकी सहायता करी कि वो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बने रहे. And that is important. और ये महत्वपूर्ण है. Why should we obey God? कि क्यों हम परमेश्वर की आज्ञा माने? You know, in many cases, we all believe. ऐसे कई सारी परिस्थितियां हैं कि हम सब विश्वास But करते हैं. But our belief is not going beyond mere believing to
a place where we have a strong conviction. और हम सब विश्वास करते हैं, लेकिन समस्या ये है कि हम अपने विश्वास हमारा आगे बढ़कर उस दृढ़ निश्चय की ओर नहीं जा रहा. The other spices hearts began to melt with fear. और जो दूसरे बचे हुए 10 जासूस थे, उनके हृदय तो भय से पिघल गए. But Caleb said, लेकिन कालेब ने इस प्रकार कहा, I followed the Lord my God fully. मैंने अपने परमेश्वर के पूर्ण रीति से उसके अनुसार और उसके पीछे चला. That we read in verse 8. और इसी बात को हम 8वें वचन में पढ़ते हैं. But my brothers who went up with me made the heart of the people melt. और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे, उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया. Yet I wholly followed the Lord my God. परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी. Why? क्यों? Because his faith went beyond mere believing. क्योंकि उसका विश्वास सामान्य या साधारण विश्वास से आगे बढ़ गया. He had a strong conviction. और उसके पास एक दृढ़ निश्चय था. That conviction said. और उस दृढ़ निश्चय ने कहा, Yes, the people there are all mighty men and they are fearsome, but our God who has promised is faithful and he is greater than any. और कालेब ने इस प्रकार कहा, ये बात तो सही है कि उस भूमि पर जो लोग रहते हैं वो शक्तिशाली सामर्थ्य हैं और डरावने हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान है, वो इस भूमि को हमें देगा. And it is very important therefore for us to understand that we need to have not merely a faith but a conviction. और इसलिए ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस बात को समझें कि सिर्फ साधारण विश्वास ही काफी नहीं, लेकिन एक दृढ़ निश्चय हमारे पास होना जरूरी है. That's why his vision helped him to obey God. और इसी कारणवश उसके दर्शन ने उसकी सहायता करी कि वो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बने. Thirdly, तीसरी बात, his vision helped him stay young. उसके दर्शन ने उसकी सहायता करी कि वो जवान बना रहे. We hear about vitamin B and vitamin C. और हम विटामिन बी, विटामिन सी इस प्रकार के अलग अलग विटामिन के विषय में सुनते हैं. But the best vitamin you can have is vitamin V. लेकिन जो सबसे उत्तम विटामिन है जिसको आप ले सकते हैं वो है विटामिन वी. And the V stand for vision. और वी जिसका मतलब है दर्शन या विजन. The vision vitamin. और जिसका मतलब है वाह, जिसका मतलब है And वो दर्शन. यू नीड टू हैव अ विजन इन ऑर्डर टू बी स्ट्रॉन्ग इन योर कन्विक्शन. आपके पास एक दर्शन होना अनिवार्य है ताकि आप अपने दृढ़ निश्चय में मजबूत बने रहे. एंड सो आई प्रे, और इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ, दैट यू एंड आई विल मूव फॉरवर्ड बिकॉज of our conviction. कि आप और मैं अपने दृढ़ निश्चय के अनुसार और उसके द्वारा आगे बढ़ते चले जाएंगे. And when you take this vitamin V daily, और जब आप इस विटामिन वी को प्रतिदिन लेंगे, you are revitalized. तब आप फिर से तरोताजा कर दिए जाएंगे. And at age 85, और 85 साल की उम्र में भी, Caleb was ready to go to war for the land. पक्के कालेब तो तैयार था कि उस भूमि के लिए लड़ाई के लिए जाने को. And that too for the hills. और वो भी उन चोटी और पहाड़ियों पर. His strength had not abated. और उसकी शक्ति किसी भी रीति से कम नहीं हुई. His conviction kept him not only alive but live strong. और उसके दृढ़ निश्चय ने ना केवल उसे जीवित रखा, लेकिन उसे मजबूत शक्तिशाली बनाए रखा. And fourthly, और चौथी बात, his vision helped him secure the land. उसके दर्शन ने उसकी सहायता करी कि वो उस भूमि पर कब्जा करने पाए. And my brothers and sisters, और मेरे भाइयों और बहनों, these characters are great examples for us to follow their footsteps and gain favor with God. ये चरित्र हमारे लिए महान उदाहरण हैं कि हम उनके पद चिन्हों पर चलें और परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करें. And Caleb eventually possessed it. और कालेब ने अंत में उस भूमि पर अपने कब्जे को लिया. Because क्योंकि he first of all by the eyes of faith saw it. क्योंकि उसने विश्वास की आंखों से पहले उस भूमि को देखा.
And then he got it. और फिर उसके पश्चात उसे ग्रहण किया. What you see through the eyes of faith and through the eyes of that vision, you will possess it and you can grab it. और उस विश्वास की आंखों से आप जो कुछ देखेंगे उस पर आप कब्जा करेंगे और उसे ग्रहण करेंगे. So why are we, as followers of Jesus Christ, in spite of persecutions and ridicule and denied of many of the good things? और क्यों हम जो परमेश्वर के चेले या परमेश्वर के पीछे चलने वाले हैं, हम कई सारी अच्छी और भली बातों को हम ठुकरा देते हैं. We still want to remain faithful to our faith. क्योंकि हम अपने विश्वास के प्रति विश्वास योग्य बना रहना चाहते हैं. And we all have faith. और हम सब के पास विश्वास है. Do you believe in God? और आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? Yes, we believe. हाँ, मैं विश्वास करता हूँ. But there are tests that will check us and find out whether we have a conviction. लेकिन ऐसी परीक्षाएं आएंगी जो जिनका सामना हमें करना पड़ेगा, जो हमें ये बतलाएंगी कि क्या हमारे पास वो दृढ़ निश्चय है या नहीं. If you just have a faith and don't go beyond faith to conviction, you will be stumbled and you will not make it. और अगर आपके पास सिर्फ विश्वास है और उस विश्वास से आगे बढ़कर आप दृढ़ निश्चय की ओर नहीं जाते, तब आप ठोकर खाएंगे और उस भूमि तक नहीं पहुंचे. To live a holy life, एक पवित्र जीवन जीने के, and to live a victorious एक जयवंत जीवन जीने के लिए, and to live for eternity, और उस अनंत के लिए जीने के लिए, you should have a more than mere belief, but you should have a strong conviction of what is there. विश्वास से कहीं ज्यादा बढ़कर आपके पास होना चाहिए, जिसका मतलब है एक दृढ़ निश्चय. And I pray that the Spirit of God enables you to see by the eyes of faith what is beyond this life. और इसलिए मेरी प्रार्थना यह है कि परमेश्वर का आत्मा आपका सहायता करे कि आप वो दृढ़ निश्चय के द्वारा इस सीमित जीवन के आगे देखने पाए कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या रखा. God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. Holy Spirit of God, परमेश्वर का पवित्र आत्मा, we all are challenged and we all are tested. हम सब की सामने चुनौतियां आती हैं, परीक्षाएं आती हैं. But many of us fail in our test. लेकिन हम में से कई अपनी उन परीक्षाओं में असफल हो जाते हैं. Because we have a faith but we don't have a conviction. और ये इसलिए है क्योंकि हमारे पास विश्वास तो है लेकिन एक दृढ़ निश्चय नहीं. And unless we have a conviction for what is ahead and beyond this life, we will not take a strong decision. और जब तक हमारे पास वो दृढ़ निश्चय ना आए कि अब इस जीवन के विपरीत या बाहर हमारे लिए क्या रखा है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे. But Holy Spirit, लेकिन हे पवित्र आत्मा, you alone can open our eyes. लेकिन तू ही सिर्फ हमारी आंखों को खोल सकता है. And see what is beyond. और इस बात को देख सकता है कि इसके विपरीत क्या है. And we are convinced of it. और हम इस बात को लेके निश्चित हैं. And enable us to stand on our conviction. और हमारी सहायता कर कि हम अपने इस दृढ़ निश्चय पर खड़े रहने पाए. Price we have to pay. चाहे कोई भी दाम क्यों ना चुकाना पड़े. Thank you. धन्यवाद. In Jesus name. यीशु के नाम. Amen. Amen. God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे.